नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 16,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार 1266 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 16,305 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे अधिक पटना में 177, अररिया में 14, अरवल में 11, औरंगाबाद में 21, बांका में 4, बेगूसराय में 76, भागलपुर में 81, भोजपुर में 40, बक्सर में 27, गया में 34, गोपालगंज में 22, जमुई में 9, जहानाबाद में 14, कटिहार में 46, खगड़िया में 11, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 6, मुंगेर में 61, मुजफ्फरपुर में 72, नालंदा में 78, नवादा में 76, पश्चिम चंपारण में 54, पूर्वी चंपारण में 13, पूर्णिया में 7, रोहतास में 29, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 24, सारण में 47, शेखपुरा में 11, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 13, सिवान में 98, सुपौल में 10, वैशाली में 36 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। मिली गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड-19 की वजह से अब तक 11,953 मरीज ठीक हो चुके हैं। अगर हम कोरोना से जान गंवाने वालों की बात करें तो इसकी संख्या बढ़कर 125 हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिहार में निकाली गई रिक्तियां। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 287 वैकेंसी पर आवेदनों की मांग की है, जिसकी प्रक्रिया 13 जुलाई 2020 से आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर शुरू हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में होगी। इच्छुक उम्मीदवार 30 जुलाई तक या उससे पहले आवेदन भर सकते हैं। आईटीआई के छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे देगी बिहार सरकार। बिहार के आईटीआई छात्रों को अब नीतीश सरकार ने यूनिफॉर्म के लिए पैसे देने का फैसला लिया है, जिसके तहत नीतीश कुमार ने इस साल आईटीआई के छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते की राशि का भुगतान करने का ऐलान किया है। इसके लिए छात्रों के खाते में 3,000 रुपए डाले जाएंगे। इसकी पुष्टि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से की गई है, जिसमें लगभग राजद के 149 आईटीआई के लगभग 27,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा, जिसके बाद विभाग को लगभग 10 करोड़ की राशि सालाना खर्च करनी होगी। नेपाल में कोसी तटबंध पर पानी का बढ़ा दबाव। नेपाल के पर्वतीय इलाके में लगातार हो रही बारिश ने बिहार में बाढ़ की संभावना को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। नेपाली मीडिया के अनुसार नेपाल की तराई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से कोसी कमला समेत अन्य नदियों के पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पश्चिम तटबंध पर दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और अगर इस तरह का दबाव बढ़ता रहा तो जल्द ही तटबंध टूट सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उत्तर बिहार में भारी बाढ़ आने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। पुष्पम प्रिया चौधरी ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत एक शानदार एक्टर थे। मैंने बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे पटना के इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम का नाम SSR प्लानिटेरियम करें। इंदिरा गांधी एक महान राजनेता थी, लेकिन उनके नाम पर पहले से ही काफी स्मारक और संस्थान बने हुए हैं और जैसा कि हम उनको जानते हैं, वे स्वयं आज होती तो खुद इस पर बिना अनुरोध के निर्णय ले लेती। आशा है कि इस पर त्वरित निर्णय लेंगे, तो 4 महीने के बाद तो होना ही है। नवादा में लॉकडाउन की अवधि को 3 दिन और बढ़ाया गया आगे। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार के विभिन्न जिलों में दोबारा से लॉकडाउन लगाने का फैसला सुनाया गया है। वहीं बिहार के नवादा जिले में भी लॉकडाउन को 3 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे जिले में 15 जुलाई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने का फैसला सुनाया गया है, जिसके अधिसूचना नवादा के डीएम ने जारी कर दी है। डीएम ने बताया है कि पहले जहां 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन का फैसला सुनाया गया था, वहीं अब 15 जुलाई तक बंद पालन करने का फैसला सुनाया गया है। बिहार की राजधानी पटना में सहकारिता विभाग भी आया कोविड-19 की चपेट में। बिहार में कोविड-19 का प्रभाव बेलगाम बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना के हालात दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना में संक्रमित लोगों की संख्या 2,000 के पार हो गई है। वहीं कोविड-19 का असर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सहकारिता विभाग भी इसकी चपेट में आ गया है। सहकारिता विभाग के 3 कर्मी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इन कर्मियों की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके बाद 16 जुलाई तक विभाग को सील कर दिया गया है। बिना मास्क पहने लोगों से की गई 12 लाख की वसूली। बिहार के कई जिलों में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में बेकाबू हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही सभी लोगों से सख्ती से मास्क पहनने की अपील की गई थी, जिसके बाद भी कुछ लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और यही कारण है कि 1 जुलाई से लेकर बीते दिन तक 25,000 लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा चुका है। इतना ही नहीं, 12 लाख रुपए की वसूली भी की गई है।
बिहार के सीतामढ़ी जिले में भी लगा लॉकडाउन। बिहार में बेलगाम कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला दर जिला लॉकडाउन लगाया जा रहा है। एक दर्जन से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन के बाद अब बीते दिन सीतामढ़ी में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला सुनाया गया है, जिसकी पुष्टि जिला प्रशासन की टीम की तरफ से की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सीतामढ़ी में 13 से 20 जुलाई तक बंद के नियमों को लागू किया जाएगा, जिसकी अधिसूचना बीते दिन जारी कर दी गई है। राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर लगाए आरोप। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इतना ही नहीं, बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि जल जमाव हुआ तो हाफ पैंट में भाग जाएंगे, मजदूरों को वापस लाना हो तो कह देंगे संसाधन नहीं है, वोट नहीं मिला तो जबरदस्ती की सरकार बनाएंगे, जवाबदेही का वक्त आएगा तो लालू जी को बुरा भला कहेंगे, हर झूठ के लिए तैयार है उप मुख्यमंत्री ऑफ बिहार। बिहार के कई जिलों में आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश की जताई गई संभावना। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार कुछ जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में बारिश सामान्य से 54% दर्ज की गई है, जिसके साथ आने वाले 24 घंटे में बिहार के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 24 घंटे के बाद मानसून की अक्षीय रेखा में बदलाव हो सकता है और उसके बाद बिहार में हो रही बारिश में कमी आने की संभावना है। हालांकि इन 24 घंटे में सावधानी बरतने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीम प्रोजेक्ट पर लगा ग्रहण। बिहार के नालंदा जिले में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से बनी टंकी में पानी भरने के बाद रविवार को कुछ ही देर बाद वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए सात निश्चय योजना से उधारी गांव स्थित 10 नंबर वार्ड में पानी टंकी बनाई गई थी। गांव के घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का काम भी पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद घर में पानी पहुंचाने के लिए टंकी में पानी भरा गया तो वो लोड नहीं सह पाया। देखते ही देखते टंकी भरभरा कर धराशाही हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो नल जल के कामों में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है, इसीलिए टंकी पानी का भार नहीं सह पाई। क्षेत्र का भ्रमण करने निकले भाजपा विधायक से नाराज दिखी जनता। दीघा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संदीप चौरसिया बीते दिन अपने क्षेत्र का भ्रमण करने निकले थे। हालांकि भ्रमण करने के दौरान लोगों की नाराजगी साफ साफ देखने को मिली। मिली जानकारी के अनुसार भ्रमण करने के दौरान लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक से नाराज एक स्थानीय व्यक्ति ने सवाल पूछ लिया कि क्या यह इलाका पाकिस्तान है जो आप इसकी सुध लेने तक नहीं आते, जिसके बाद ही वीडियो तेजी से ट्रेंड करने लगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि भाजपा विधायक को जनता दे रही है। NMCH में कोविड 19 की जांच हुई शुरू। पटना में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बाद सरकार के आग्रह पर ICMR ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड 19 जांच करने की स्वीकृति दे दी है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 शिफ्ट में कोरोना की जांच करवाई जाएगी। संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोविड 19 जांच की मशीन लगी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अनुमति मिलने से 2 दिन पहले इस मशीन के सैंपल की जांच का ट्रायल हुआ था। बंद के दौरान बिहार में ट्रांसपोर्ट वाहनों के आवागमन पर नहीं लगाई जाएगी रोक। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार के कई जिलों में लॉकडाउन दोबारा से लगा दिया गया है। हालांकि जारी किए गए गाइडलाइन के में साफ तौर पर कहा गया है कि बंद के दौरान पूरे प्रदेश में मालवाहक वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। सामान्य दिनों की तरह मालवाहक वाहन का परिचालन किया जा सकेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है, साथ ही यह भी बताया है कि पटना जिला और अन्य जिलों में कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए पुनः लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसका असर मालवाहक वाहनों पर नहीं दिखेगा। भाजपा ने बिहार में एनडीए गठबंधन को बताया अटूट। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं एनडीए के अंदर बीते कई दिनों से लगातार विवाद की खबर सुनाई दे रही है, जिस पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्ण विराम लगाया है। डॉक्टर संजय जायसवाल के अनुसार एनडीए के घटक दलों में किसी तरह के आपसी विवाद की बात अफवाह है। गठबंधन के तौर पर तीनों दलों की एकता पूरी तरह से अटूट है और हम पूरी मजबूती से आगामी चुनाव में एक साथ मैदान में उतरेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में लोकतंत्र है और सभी अपनी बातें और विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए किसी के भी बयान का उल्टा मतलब निकालना सही नहीं है। लखीसराय में भी 19 जुलाई तक लगाया गया लॉकडाउन। बिहार के अधिकांश जिले में धीरे धीरे करके लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में अब लखीसराय में भी जुलाई तक बंद के नियमों का पालन करने की घोषणा कर दी गई है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जुलाई से लेकर 19 तारीख तक लॉकडाउन लागू रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बढ़ते मामलों को देखते हुए बंद का दायरा बढ़ाया जा रहा है।
मानव विकास मंत्रालय ने की भागलपुर के IIIT कोविड 19 जांच सॉफ्टवेयर की सराहना। कोविड 19 का पता लगाने के लिए IIIT के सॉफ्टवेयर को भागलपुर में इस्तेमाल में लाया गया है, जिसकी सराहना अब हर ओर की जा रही है। वहीं इसी क्रम में मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी इसकी तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सॉफ्टवेयर से सेकंड भर में कोविड 19 का पता लग जाएगा। इस पर खर्च भी 100 रुपए के आसपास ही आएगा। इसके लिए और उनकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। घर बैठे बैठे बिहार की कई विरासतों का कर सकते हैं वर्चुअल दीदार। अब घर बैठे बैठे बिहारवासी विरासतों का वर्चुअल दीदार कर सकते हैं, जिसके लिए बिहार पर्यटन विभाग की वेबसाइट और बिहार विरासत समिति ऐसे स्थलों की जानकारी दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर राजधानी पटना से जुड़े कई प्राचीन स्थलों की जानकारी साझा की गई है, जिसके लिए पटना के स्थल इतिहास के अलग अलग द्वार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी साझा की गई, जिसके लिए आप सभी लोग www.bihartourism.gov.in और bstdc.bis.nic.in पर जाकर पटना सहित बिहार के तमाम पर्यटन स्थलों का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। नए राशन कार्ड धारकों को 5 महीने फ्री मिलेगा अनाज। बिहार में जांच के बाद 23,27,000 नए राशन कार्ड बनवाए गए हैं। इनमें से 13,00,000 कार्ड वितरित भी हो चुके हैं। जो छूट गए हैं वो RTPS काउंटर पर आवेदन कर सकते हैं। नए राशन कार्ड धारकों को बिहार सरकार ने 5 महीने तक मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच कमजोर तबके के लोगों को खाने पीने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनकी मदद के लिए यह कदम उठाया है, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके दी है कि नीतीश कुमार की तरफ से बंद के दौरान मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था तो की ही गई, साथ ही साथ राशन कार्ड का इंतजाम भी किया गया है। जदयू 18 जुलाई से शुरू कर रही अपना वर्चुअल चुनावी सम्मेलन। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। वहीं इसके तहत सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में 18 जुलाई से जदयू अपनी तरफ से बड़े सम्मेलन की शुरुआत करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई से जदयू के हर दिन 4 विधानसभा क्षेत्र को वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से संबोधित करेगी। हालांकि प्रत्येक टीम में पार्टी के कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे इसका नाम अभी तय नहीं किया गया है, मगर विधानसभा क्षेत्र का नाम तय हो गया है, जिसके बाद पार्टी अपनी तैयारियां देखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाया सवाल। बिहार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने 15 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को भी ICU में पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार के रिपोर्टर मानकों संस्थानों की जांच में बिहार सबसे निचले स्तर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी जारी किया गया मानक प्रति 1,000 आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र में बिहार सबसे आखिरी पायदान पर है। यहां की स्थिति इतनी दयनीय है कि प्रति 17,685 व्यक्ति पर महज एक डॉक्टर बिहार में है। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर साधा निशाना। कोविड 19 के बीच बिहार की सियासत भी अलग अलग रंग दिखाने लगी है। विपक्ष और लोजपा की मांग में कोविड 19 के संभावित संक्रमण को देखते हुए चुनाव की तारीख को बढ़ा दिया जाए, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी कमजोर है वो परीक्षा से भागते हैं। जिसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि बिना परीक्षा के पास किए अगली कक्षा में कैसे जाना है यह सुशील कुमार मोदी और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। सुशील कुमार मोदी बताए 2015 की परीक्षा में क्या वो पास हुए थे। भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में भी बिना पास किए सत्ता में आना चाहती है और अभी वो ऐसा कर भी रही है। ICC चेयरमैन बनने के फैसले पर सौरभ गांगुली ने दी अपनी प्रतिक्रिया। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कार्यकाल 31 जुलाई के बाद खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें ICC के चेयरमैन के तौर पर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ICC के चेयरमैन नियुक्त होने पर सौरभ गांगुली ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ICC के चेयरमैन बनाने का फैसला पूरी तरीके से BCCI पर निर्भर करेगा। यहां ये ऐसी नौकरी है जो जिंदगी में एक बार मिलती है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि ICC प्रेसिडेंट बनाने का भविष्य BCCI के फैसले पर निर्भर करता है। उन्हें इस पद पर बैठने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय भी आई कोविड 19 की चपेट में। पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दोनों ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से अपने प्रभावित होने की जानकारी साझा की थी, जिसके बाद बच्चन परिवार के सभी सदस्यों का कोविड 19 जांच करवाया गया था, जिसमें उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद कुल मिलाकर बच्चन परिवार में 4 लोगों पर कोविड 19 प्रभाव देखा गया है। परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो बच्चन परिवार के सभी पॉजिटिव मरीजों के लक्षण काफी हल्के हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अरविंद कुमार, विकास कुमार, अजूबा, राजेश, कुंदन कुमार, सोनम कुमारी, गौरी शंकर, रमेश यादव, करण कुमार, रवि राजपूत, गोपाल कुमार, बलबीर कुमार, सुनील पंडित, नितेश कुमार,
कमलेश गहलोत, सुरेंद्र कुमार, नील उस्मानी, दिनेश कुमार, आदित्य कुमार झा, राहुल कुमार, वाल्मीकि कुमार, इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में बिहार सरकार कितनी सफल हो पाई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।